हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो थोड़े दिन पहले मैं मैंगो आर्ट एंड स्टेशनरी स्टोर गया था, तभी मैंने ये कैमल का पिक्चर वार्निश खरीदा था। तो आज के ये वीडियो में मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ और एक छोटा रिव्यू देने वाला हूँ कैसे ये काम करते और मतलब वर्थ है कि नहीं। इसका प्राइस है 140 रुपीज़। आपको चाहिए रहेगा, लिंक मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं ये कैनवास पेंटिंग जो मैंने किए थे, ये बेसिकली पोस्काज और ओहू एक्रेलिक मार्कर से किए है, तो इस पर ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हो इंक मर्ज होता है कि नहीं, कि कितना ग्लॉसी होते हैं। अभी तो पोस्का बहुत मैट दिखते हैं, तो देखते हैं उसके बाद कितना ग्लॉसी लगने लगता है। तो आप बिफोर देख सकते हो, ये मैंने ओहू एक्रेलिक मार्कर से किया था। इसका रिव्यू मैं मेन चैनल पर बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, अभी शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चालू है। और ये दो मैंने पोस्का मार्कर से किए थे, पर ये जो ब्लैक है वो एक्रेलिक पेंट है। तो देखते हैं ये पिक्चर वार्निश इन पे कैसे काम करता है। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पेपर पे क्यों नहीं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने बहुत जगह देखा है पेपर पे यूज़ करने बाद में पेपर ऐसे फोल्ड होने लगता है, मतलब ऐसा बेंड हो जाता है, और मुझे मेरे ये ड्राइंग्स बिल्कुल ख़राब नहीं करने हैं। तो इसीलिए मैं कैनवास बोर्ड पे ये ट्राई करने वाला हूँ। चाहिए तो एक जो मेरा बेकार ड्राइंग हुआ है उस पे ट्राई करके देख लूँगा कि ये काम करता है कि नहीं कलर पेंसिल्स पे या फिर एक्रेलिक मार्कर्स पे। तो इस पे लिखा है कैसे यूज़ करना है, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो पॉज करके, बट वैसे भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे यूज़ करते हैं। मैंने मेरे पास पहले स्प्रे था वार्निश का, पर उसका स्मेल ना बहुत गंदा होता है, इसके लिए मुझे कुछ अलग चाहिए था और तभी मुझे ये दिखा, इसके लिए मैंने ले लिया। तो अच्छा एक सील पैक जैसे आता है, ठंडा एकदम। तो सबसे पहले मैं जो ओहू मार्कर से ड्राइंग किया था उस पर ट्राई करता हूँ। हमें सिर्फ देखना है कि जो ऑयल पेंट वाला वार्निश होता है एक्रेलिक मार्कर्स पे काम करता है कि नहीं, कि उसको इंक मिक्स कर देता है। ड्राइंग पे पोर करना है और बाद में क्लीन ब्रश के साथ उसको पूरे ड्राइंग पे स्प्रेड करना है। पर पहले साइड में आप ट्राई कर सकते हो कि अगर इंक स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़े साइड से कर रहा हूँ, नहीं तो सेंटर से करना रहता, पर मुझे देखना है कि इंक स्प्रेड होता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी के लिए हुआ तो नहीं, मतलब काम कर रहा है, नहीं हो रहा है इंक स्प्रेड। तो जो दिख रहा है वो स्प्रेड हो रहा है आराम से, तो मैं और नहीं करने वाला, मुझे और ख़राब नहीं करना है, इसको मुझे वापस ठीक करने पड़ेगा सूखने के बाद। तो अब पोस्काज पे ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से पोस्का पे भी इंक स्प्रेड होएगा, क्योंकि पोस्का वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये उसको मिक्स करने ही वाला है, पर देखते क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा फेड हो रहा है पर क्या करें, अभी कि मैं अभी रुका था और थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा रहेगा क्या पता नहीं, पर इधर से इंक निकलने लगा है। तो अब पता नहीं इनमें ऑयल पेंट पे ही ये काम करते हैं क्या पता नहीं, ये ना ही पोस्काज पे चला या फिर ओहू पे। पर अभी ट्राई करते हो मेरे एक्रेलिक पेंटिंग जो मैंने किया था, ये पूरा एक्रेलिक पेंट से ही मैंने किया, तो इस पर काम करने चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ होना नहीं चाहिए। मैं इधर डार्क पे ही मारने वाला हूँ, तो देखते कलर निकलता है कि नहीं। सीधा मैं अभी ब्रश डिप करके मारने वाला हूँ और इस पर काम करता है अच्छे से, मतलब अभी तक तो कुछ स्प्रेड नहीं होते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये ध्यान में रखे कि ये आपके पोस्काज पे और ऐसे एक्रेलिक मार्कर्स पे नहीं काम करता है, शायद क्योंकि पोस्काज और वाटर बेस्ड कलर्स है, मतलब और ये वाटर बेस्ड नहीं रहता है एक्रेलिक, तो इस पे इन पे काम कर जाता है ये। तो मुझे अभी पोस्काज के लिए कुछ और देखने पड़ेगा अल्टरनेटिव। एक्रेलिक पेंटिंग मेरे बहन ने की थी, तो इस पे मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। इस पे कुछ पोस्का उसका कुछ यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली एक्रेलिक पेंट से यूज़ किया है, और इसका स्मेल बहुत गंदा है, मतलब अब मुझे गले में कैसे तो हो रहा है। विंडोज़ ओपन रख के करो,
अब लगा तो दिया है, पर ऐसा कुछ ग्लॉसी इफेक्ट तो नहीं आया। वो शायद मॉल्ड गॉज कुछ होता है, वो यूज़ करने पड़ेगा, पर वार्निश हो गया है और मतलब थोड़ा बहुत सूख भी गया इतने जल्दी, और फिर से ऐसा मैट जैसे ही लग रहा है, मतलब कुछ इतना अलग नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्टेड था कि एकदम ऐसा ग्लॉसी इफेक्ट आएगा उस पर, जैसा हम लोग एकदम शाइनी मारते हैं ना वैसा, पर वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ऑयल पेंट जब भी मैं ट्राई करूँगा तभी ये मतलब मैं परफेक्ट रिव्यू दे पाऊँगा। अभी के लिए सबक क्या मिला है, जिस जो लिखा है उस पर यूज़ करने का, उसका नहीं लिखा था तो मैं यूज़ किया, मेरे ड्राइंग्स खराब हो गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक्रेलिक पेंट पे अच्छा खासा काम कर जाता है, मतलब अब मेरे हिसाब से पानी और डालोगा तो कुछ होगा नहीं। वैसे भी एक्रेलिक पेंट पे पानी डालते तो कुछ इतना होता नहीं है। और ये सूखने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 15-20 मिनट में सूख गया, पर इतना कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगा एक कोट में, मतलब जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही है। तो ये मेरे इतने काम का तो है नहीं, क्योंकि ये पोस्टकार्ड या फिर एल्कोहल मार्कर्स पे काम तो नहीं करता है, और मैं मोस्टली वो ही यूज़ करता हूँ मेरे ड्राइंग्स के ऊपर। पर अब आप बोलेंगे क्या कैक्स भाई, पैसे वेस्ट हो गए आप, ये ऐसे ही रख दोगे, ऐसा नहीं है। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ये जो मैंने ड्राइंग किया था पूरा, इस पर मैं ये जब फुर्सत में टाइम होगा तभी रोलर ब्रश से पूरे मतलब पूरे ड्राइंग पे मार दूंगा, तो उस पर भी कुछ ऐसा नेल्स वेल्स लगा तो फील नहीं होएगा पेंट, तो वेस्ट नहीं करने दूंगा, कहने का मतलब वो है। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको कुछ नया सीखने मिला हो, जैसे मुझे आज पता चला कि ये ऐसे पोस्टकास्ट पे और काम नहीं करता है, सिर्फ उसके जो ऑयल पेंट्स लिखा है उस पर ही काम करेगा। ये मुझे लगा था कि काम कर जाएगा अपना, चलता है, पर ठीक है होते रहता है ज़िंदगी में, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।